अमृत निधि न्यूज यूट्यूब पटना की ओर से दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यह अंटा घाट का दृश्य है पटना का। एक समय था कि जब यहाँ गंगा नदी में पानी बहती थी यहाँ, और आज जो है गंगा रूठकर यहाँ से चली गई है। और यह जो पानी आप देख रहे हैं यह नाले का पानी है, गंगा जल नहीं है। और सरकार की ओर से यहाँ सौंदर्यीकरण कार्यक्रम भी हुआ है, लेकिन गंगा नदी के अभाव में यह बेकार। और यह आप देख रहे हैं यह मच्छरों का घर है, मच्छरों का आवास बन चुका है। और यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकते हैं बदबू के कारण, चारों ओर सन्नाटा। जंगली पेड़ पौधे और इधर आप देख रहे हैं रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन, गंगा तट का सौंदर्यीकरण, और दूसरी ओर गंगा एक्सप्रेस वे आपको गंगा नदी नज़र नहीं आएगी यहाँ कहीं भी। आज विश्व जल दिवस है और यह दृश्य आप देख रहे हैं यह बहुत ही दुर्भाग्य है मानव जाति के लिए, क्योंकि गंगा को जीवनदायिनी कहा गया एक और, जहाँ मोक्षदायिनी भी कहा गया गंगा को। और पटना से माँ गंगा जो है रूट कर पूरब की ओर जा रही है। ये आप यह दृश्य जो है आपको अंटा घाट का है। वर्ल्ड बैंक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ किया गया है, लेकिन यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जो घाट में पर सन्नाटा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ जंगली पौधे देख रहे हैं, जंगली पालक आगे कलेक्ट्रेट घाट का दृश्य है। यह निर्माण कार्य खतरे की घंटी है मानव सभ्यता के लिए, मानव जाति के अस्तित्व के लिए, क्योंकि माँ गंगा ही नहीं रहेगी तो फिर धरती पर जीवन के अस्तित्व को खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। केवल मानव ही नहीं, जलीय जीवों में जैसे डॉल्फिन, जिसे हिंदी में सोस कहा जाता है, उसका भी जीवन आज खतरे में है। और अन्य प्रकार के जलीय जीव और पक्षी, उनका भी अस्तित्व आज खतरे में है। कभी इस घाट पर हजारों भक्त श्रद्धालु भक्त यहाँ माँ गंगा की पूजा करने आते थे, और छठ पर्व के अवसर पर यहाँ भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर गांव से भी श्रद्धालु भक्त
विशेषकर महिलाएं यहाँ आती थी छठ पर्व की तैयारी के लिए, लेकिन आज यहाँ माँ गंगा ही नहीं है तो यहाँ छठ व्रती कैसे आएंगे। और इस बार तो यहाँ इस घाट पर छठ पर्व भी नहीं मनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ गंगा जल ही नहीं है, गंगा नदी ही नहीं है इस घाट पर, अंटा घाट पर, और आगे भी काली घाट तक गंगा नदी में पानी नहीं है बल्कि नाले का पानी है, गंगा जल नहीं है। ये घाट श्रद्धालु भक्तों के इंतजार में है, लेकिन यहाँ श्रद्धालु भक्त आएंगे कहाँ से क्योंकि यहाँ घाट के किनारे गंगा जल ही नहीं है, गंगा नदी में पानी ही नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं नाले का पानी है, बदबूदार है, बदबू आसपास फैल रहा है और मच्छर का आवास यह जो है बन चुका है। बहुत बड़ा सवाल है कि माँ गंगा को वापस कैसे मनाया जाए, कैसे वापस लाया जाए पटना में, क्योंकि माँ गंगा जो है रूट कर यहाँ से चली जा रही है। अंटा घाट से अमृत हिंदी न्यूज के लिए मीडिया जर्नलिस्ट रंजन कुमार अमृत जी। आप सभी का आभारी है कि आपका हमें प्यार मिल रहा है और यह प्यार लगातार बनाए रहे हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अमृत हिंदी न्यूज़ यूट्यूब पटना बिहार।